जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइफ हूँ आप साथ। मैं आपको बूस्टर शॉट के मुतल अपडेट कर दूंगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भाइयों को पता है कि सऊदी अरबिया में लगनी शुरू हो चुकी है। आप बूस्टर शॉट भाई आप खुद से अभी अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवा कर लगवा सकते हैं। किसी भी नज़दीक तरीन अपने हॉस्पिटल चले जाएँ, आपको डेट वगैरह अगर कहीं से मिल रही है तो वहाँ पर जाकर आप लगवा सकते हैं। 3 माह बाद ही लगना शुरू हो चुकी है। अच्छा, अभी भाई मुझे बहुत से कमेंट करते हैं कि मैं छुट्टी जा रहा हूँ या छुट्टी जाने वाला हूँ तो बूस्टर डोज भाई लगवा कर चला जाऊँ या वैसे चला जाऊँ, मुझको वापस आने के टाइम को कुछ कोई किसी किस्म की मुश्किल या परेशानी तो नहीं होगी। तो भाई आपके लिए ये है कि जो बंद पहले भाई दोनों डोज कंप्लीट करके गए थे वो सऊदी अरब में डायरेक्ट आ सकते थे, ठीक है। वो सऊदी अरब में आ भी रहे थे, उनको कोई भी किसी किस्म का यहाँ पर ना तो कंटाइन करना पड़ रहा था, सीधा सऊदी अरबिया में जब चाहे आए। फ्लैट्स बंद थी लेकिन उनके लिए जो यहाँ से नहीं लगवा कर गए थे। तो मेरा खुद से अभी ये मानना है भाई कि आप छुट्टी जा रहे हैं तो बूस्टर डोज की अपॉइंटमेंट लें, बूस्टर डोज लगवाएं, उसकी मेडिकल रिपोर्ट दूसरी दोनों डोज की और बूस्टर की तीनों की मेडिकल रिपोर्ट निकालें, अपनी टिकट के साथ लगाएं, ठीक है। एक मेडिकल रिपोर्ट साथ में अपने पास अजाफी रखें, आपको वापसी के ऊपर भी कोई भी किसी किस्म की ताकि मुश्किल ना हो। कल को खुदा न खवास्ता यहाँ कोरोना केस बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में ओमिक्रोन का मैं खतरा सुन रहा हूँ, कल को खुदा न खवास्ता पाकिस्तान से या यहाँ से केस बढ़ने को देख यानी को जो केस बढ़ रहे हैं इनको देखते हुए फ्लैट्स फिर से कुछ दिनों के लिए बंद की जाती हैं तो आपके लिए बंद नहीं होंगी क्योंकि आपको भाई तीनों डोज कंप्लीट की होंगी आपने, तो आपके पास उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी होगी तो आप सऊदी अरेबिया में जब चाहेंगे डायरेक्ट सफ़र कर सकेंगे सऊदी अरेबिया का वापसी का यानी के। तो बूस्टर शॉट लाजम है जी, मेरे हिसाब से आप लगवा कर जाएँ, आपके लिए यही बेस्ट है। किसी के भी कहने के ऊपर इसे मिस मत करें, 2-4 दिन का डिले कर लें, आप अपनी ये जो डेट वगैरह देखें, बुक करवा लें, लगवा लें, ये बेस्ट है।